हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए कोर्स की प्लेलिस्ट, जो कि कोर्स का नाम है रियल टाइम सिस्टम। ये पहली वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम कोर्स के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। ओवरव्यू बोले तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स की प्लेलिस्ट को कौन स्टूडेंट है जो पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं, और इस कोर्स की पीडीएफ यानी जो ये नोट्स आपको दिख रही है, ई बुक दिख रही है, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इस कोर्स में हम किस सिलेबस को कवर करने वाले हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस कोर्स की प्लेलिस्ट को कौन स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं या किन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम बात करें जो एक कोर्स है, ए बीटेक स्टूडेंट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज अफिलिएटेड विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी ऐसे स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के हों और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AKTU से बिलोंग करते हों। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो अभी हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने सिलेबस से सिलेबस को मैच करा लीजिएगा, जो भी टॉपिक सिमिलर होंगे आप उसको यहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि चीजें सेम ही होती हैं, बस सिलेबस का डिफरेंस होता है। यहां पे हम AKTU के सिलेबस को फॉलो करेंगे। और अगर हम बात कर ले तो ये जो ईबुक है आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं और कब आपको एग्जाम में ये हेल्प कराएगी, तो ये अगर हम बात करें तो ये आपको एग्जाम टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा हेल्प कराने वाली है, क्विक रिविजन में, और चीजें इसमें सारी पॉइंट वाइज हमने डिफाइन करके लिख रखी है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं आपका दोस्त संजीव यादव। आगे अगर हम बात करें कि हमारा क्या होने वाला है सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, जो AKTU का सिलेबस है सेम एज इट इज सिलेबस यहां भी है, वही सिलेबस है। तो सिलेबस में सबसे पहले हम बात करें जो चीजें होंगी, पांच यूनिट के अंदर कवर है। पहली यूनिट हमारी क्या है, पहली यूनिट इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन किसका है, रियल टाइम सिस्टम का, जिसमें हम देखेंगे रियल टाइम सिस्टम की डिफिनेशन के बारे में, उसके बाद रियल टाइम एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एप्लीकेशन तीन पार्ट में इसमें डिवाइड कर रखा है, डिजिटल कंट्रोल है, हाई कंट्रोल है और सिग्नल प्रोसेसिंग है। उसके बाद रिलीज टाइम हो जाएगा, डेडलाइन देखेंगे, टाइमिंग कॉन्सेंट्रेट देखेंगे। उसके बाद जो हमारा रियल टाइम सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद रेफरेंस मॉडल हो जाएगा फॉर रियल टाइम सिस्टम, प्रोसेसर हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में। उसके बाद टाइम रियल टाइम वर्क लोड हो जाएगा, ठीक है, टास्क मॉडल हो जाएगा, प्रेफरेंस कंस्ट्रेंट हो जाएगा, और यहां पे डेटा डिपेंडेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम यूनिट टू के बारे में कि यूनिट टू में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट टू की अगर हम बात करें जो रियल टाइम शेड्यूलिंग है, तो सबसे पहले उसमें हम रियल टाइम शेड्यूलिंग के बारे में देखेंगे। तो शेड्यूलिंग आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ रखा होगा कि किस तरह से शेड्यूलिंग होती है और शेड्यूलिंग करने का क्या क्या पर्पज होता है। तो शेड्यूलिंग करने का पर्पज क्या होता है कि जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं, या कह सकते हैं प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होते हैं या टास्क कह सकते हैं, ठीक है, तो किस तरह से एट ए टाइम जो सारे प्रोग्राम सीपीयू रन नहीं करता है तो किस तरह से होता है, तो उसके लिए हम शेड्यूलिंग करते हैं। उसकी तरह से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में आई थिंक 6 तरह की शेड्यूलिंग पढ़ा था, तो उसी तरह से इसमें भी हम शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कॉमन अप्रोच आप रियल टाइम शेड्यूलिंग के बारे में यहां देखेंगे, जिसमें क्लॉक ड्राइविन अप्रोच हो जाएगा, राउंड रोबिन अप्रोच हो जाएगा, उसके बाद प्रायोरिटी ड्राइविन अप्रोच हो जाएगा, फिर डायनेमिक स्टैटिक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। इफेक्टिव डेडलाइन फर्स्ट हो जाएगा एंड लीस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट हो जाएगा एल्गोरिथम, इन सारे एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम बात कर लें कि यूनिट थर्ड के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यूनिट थर्ड के अंदर रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, अगर एक रिसोर्स यहां पे है, तो अगर हम मान लें कि हमारे पास दो प्रोसेसर है या कह सकते हैं दो टास्क है, अब अगर ए क्या कर रहा है कि P1 जो हमारा है, P1 क्या कर रहा है, रिसोर्स का एक्सेस कर रहा है, तो P2 क्या करेगा, होल्ड पे रहेगा, मतलब ये रिसोर्स का एक्सेस नहीं कर सकता। तो रिसोर्स किस तरह से शेयर होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में रैक बोला जाता है या RAC बोला जाता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन प्रिम्प्टिव क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा, बेसिक प्रायोरिटी इनहेरिटेंस एंड प्रायोरिटी सेलिंग प्रोटोकॉल हो जाएगा, स्टैक बेस्ड प्रायोरिटी सेलिंग प्रोटोकॉल हो जाएगा, या
कह सकते हैं यूज ऑफ प्रायोरिटी सेलिंग प्रोटोकॉल इन डायनेमिक प्रायोरिटी सिस्टम के अंदर हो जाएगा, प्रिम्सन सेलिंग प्रोटोकॉल हो जाएगा, एक्सेस कंट्रोल इन मल्टीपल यूनिट रिसोर्स है, इन सारी चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट 4 के अंदर क्या डिस्कस करने वाले, तो यूनिट 4 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी रियल टाइम के अंदर हम किस तरह से जो भी हमारे प्रोसेसर होते हैं किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इन रियल टाइम कम्युनिकेशन हो जाएगा, जिसमें सॉफ्ट कम्युनिकेशन हार्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन के बारे में हम देख लेंगे। उसके बाद हम मॉडल ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है वो कितने तरह के मॉडल्स को फॉलो करता है, प्रायोरिटी बेस्ड सर्विस एंड वेटेज राउंड रोबिन सर्विस के बारे में हम देखेंगे, स्विच नेटवर्क के बारे में देखेंगे कि किस तरह से स्विच नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। उसके बाद मीडियम एक्सेस कंट्रोल के बारे में देख लेंगे, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क देख लेंगे, इंटरनेट एंड रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल के बारे में भी डिस्कस हम करने वाले हैं। अब बात करें यूनिट 5 के अंदर, तो यूनिट 5 के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यूनिट 5 के अंदर आई थिंक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इससे कुछ पॉइंट पहले से पढ़ रखी होगी, क्योंकि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ओएस सब्जेक्ट में पढ़ रखा है, तो हमें सिर्फ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस यूनिट का नाम है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, तो हमें एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। तो सबसे पहले कह रहा है कि फीचर आप RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फीचर है, टाइम सर्विसेस है, यूनिक्स है, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स आएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, टेम्पोरल डेटा हो गया, ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी हो गया, कॉन्करेंसी हो गया, कंट्रोल ओवरफ्लो, ओवरव्यू ऑफ कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस, मतलब कह रहा है कि एक ओवरव्यू देना है कॉमर्शियल रियल टाइम डेटाबेस का। अब कॉन्करेंसी की बात करें, जैसे क्या होता है, दो शेड्यूल हो गए, दो ट्रांजेक्शन हो गए, आप डेटाबेस के अंदर पढ़ रखे होंगे, अगर ट्रांजेक्शन T1 है, ट्रांजेक्शन T2 है, तो दोनों क्या है, पैरेलल किस तरह से वर्क कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अगर AKTU यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इस कह सकते हैं सिलेबस को मैच करा सकते हैं, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर मैच हो रही है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप AKTU के स्टूडेंट्स हैं, AKTU से रिलेटेड हैं, फिर तो आप इस पूरी कोर्स को पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। अगर बात कर ले कोर्स को आप PDF अगर डाउनलोड करते हैं तो किस तरह से इसमें कंटेंट मिलने वाले हैं, आपको कंटेंट कुछ इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करें, डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इस PDF को सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ रियल टाइम सिस्टम है, जिसमें हम इसमें बेसिक डिफिनेशन और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सारी चीजें इस कोर्स की प्लेलिस्ट में मिलने वाली है एक जगह में, वो भी शॉर्ट फॉर्म में और एग्जाम्पल के साथ। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।